अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान अहमद और आप मुझे सुन रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान पर। इस वीडियो से हम एक सबक हासिल करेंगे और वो क्या है, उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ये बात है मोबाइल की एक ऐसी कंपनी की जो दुनिया की बेहतरीन और काबिले एहतराम कंपनी रह चुकी है, जिसके मोबाइल लाखों की तादाद में बिकते थे। इस कंपनी का नाम है नोकिया। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने इस कंपनी का मोबाइल यूज़ किया हो, ख़ास तौर पर नोकिया 1100, जो कि तकरीबन पूरी दुनिया में यूज़ हुआ है। नोकिया 2010 से पहले मोबाइल की फील्ड में राज कर चुकी थी, लेकिन उसने बदलते वक्त पर नज़र नहीं रखी। वो अपने मोबाइल की हार्डवेयर को बेस्ट बनाने में लगी रही और दुनिया बहुत तेज़ी से बदल गई। एप्पल का आईफोन और सैमसंग का एंड्रॉयड एंट्री कर चुका था और मोबाइल की दुनिया में एक इनकलाब बरपा हो चुका था, लेकिन नोकिया कंपनी इससे बेखबर थी और वो अपने हार्डवेयर पर काम करती रही। आखिरकार नोकिया कंपनी जब बिकने लगी और माइक्रोसॉफ्ट उसे लेने का ऐलान करने लगा, तो नोकिया के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीव बाल्मर ने अपनी आखिरी तकरीर में कहा कि हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी हम हार गए। और उसके बाद पूरी मैनेजमेंट टीम और वो खुद रो पड़े। तो दोस्तों, यही वो सबक है जो हमें भी हासिल करना चाहिए कि अगर आप तब्दील नहीं होते तो आप मुकाबिल लोगों से हार जाएंगे और माजी की दास्तान बन जाएंगे। अगर आप नई चीज़ें नहीं सीखना चाहते और आपके ख्यालात और ज़हनियत वक्त के साथ नहीं बदल रही, तो आप वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगे। इंसान तब तक कामयाब रहता है जब तक वो सीखता है, और अगर उसे लगता है कि उसने काफ़ी कुछ सीख लिया है और ये उसके लिए काफ़ी है, तो उसने अपने आप को नाकामी की तरफ धकेल दिया है। जो एक दिन उसे ये सोच स्टीव बाल्मर जैसे कामयाब कंपनी के मालिक की तरह रोने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।